देश क्रांतिवीर युग पुरुष भामाशाह ब्यावर के दामोदर दास राठी की जन्म जयंती के अवसर पर नगर के प्रबुद्ध जनों की उपस्थिति में केसरिया मशाल जलाकर मनाई गई। लॉयंस क्लब ब्यावर के तत्वावधान में राठी मैंशन के बाहर आयोजित कार्यक्रम में इतिहासकार वासुदेव मंगल के आतिथ्य में जयपुर से आए अमरीश वर्धन ने गगनचुंबी नारों के साथ केसरिया जोत के साथ भामाशाह दामोदर दास राठी की शौर्य गाथा का वाचन किया। इस अवसर पर इतिहासकार वासुदेव मंगल ने स्वर्गीय श्री राठी के जीवन वृतांत पर एक आलेख वाचन किया। इस मौके पर इतिहासवेत्ता प्रोफेसर मंद स्वरूप देवड़ा ने कहा कि देश की आजादी आंदोलन के वीरों के लिए ब्यावर रिजर्व बैंक था, उसमें प्रमुख रूप से भामाशाह दामोदर दास राठी के अर्थ सहयोग को भुलाया नहीं जा सकता। देवड़ा ने इस बात पर चिंता प्रकट करते हुए कहा कि जिस भामाशाह ने ब्यावर के गौरव को बढ़ाते हुए आजादी की मशाल जलाने के लिए अपना धन दौलत स्वाहा किया, उनकी स्मृति में इस शहर में एक मूर्ति भी नहीं है। ब्यावर में निर्माणाधीन कन्या महाविद्यालय का नाम भामाशाह दामोदर दास राठी के नाम पर होना चाहिए। दैनिक निरंतर के संपादक प्रमुख विचारक तथा चिंतक राम प्रसाद कुमावत ने कहा, देश की आजादी में जिन स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना जीवन बलिदान किया वह वंदनीय है, लेकिन देश की आजादी में दामोदर दास राठी जैसे भामाशाहों ने अपनी गाढ़ी कमाई का बलिदान किया, उनके त्याग को भी भुलाया नहीं जा सकता। स्वर्गीय राठी के अर्थ सहयोग से देश के प्रमुख स्वतंत्रता आंदोलन की गतिविधियां संचालित होती थी। स्वर्गीय श्री राठी एक और आजादी के संग्राम में क्रांतिकारियों के धनदूत की भूमिका में अग्रणी थे, वही शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में भी अहम योगदान दिया। कुमावत ने यह भी कहा कि स्वर्गीय राठी के प्रपुत्र प्रदीप राठी और प्रपुत्र वधू श्रीमती सुमन राठी अमृत महोत्सव के तहत भामाशाह राठी की स्मृति में अनेक जनहितकारी सेवाओं की सौगात प्रदान कर रहे हैं। कार्यक्रम में गायक संजय सिंह गहलोत ने राष्ट्रभक्ति का गीत गाकर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध किया। संगीतकार राजेंद्र बाड़मेरा ने नस्तरंग पर तराना प्रस्तुत किया। इस अवसर पर ओम प्रकाश सोमानी, गोविंद बिहानी, वैद्य राजेंद्र शर्मा, दिलीप सिंह, श्याम शर्मा, प्रवीण मंगल, भीकम चंद, तपेंद्र कुमार, रमेश भराड़िया तथा उत्तम भंडारी सहित अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।